सूरह गाफिर 40 नंबर का सूरह है, इसकी 85 आयतें हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذ تُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنهم إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوما هم بارزونا لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم। जैसा कि इससे पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है कि कुरान मजीद के बहुत से सूरे ऐसे हैं कि जिनकी इब्तिदा और जिनकी शुरुआत हुरूफ़ मुकत्तआत से होती है, यानी अलग अलग अक्षर से, जैसे अलिफ लाम मीम काफ हा या ऐन साद। वैसे यहाँ के ऊपर जो सूरह गाफिर है
इस सूरह गाफिर की इब्तिदा हाम मीम से होती है। तर्जुमे में भी आपको यही मिलेगा, इसका तर्जुमा अलग से नहीं होता है। तंजीलुल किताब मिनल्लाहिल अजीजिल अलीम, ये खुदाए अजीज़ो अलीम की तरफ से नाजिल की हुई किताब है। गाफिर ज़म, वो गुनाहों का बख्शने वाला, तौबा को कबूल करने वाला, शदीद अजाब करने वाला है और साहेब फजलो करम है। उसके अलावा दूसरा खुदा नहीं है और सब की वापसी और इंतहा अल्लाह की तरफ है। अल्लाह की निशानियों में से सिर्फ वो झगड़ा करते हैं जो काफिर हो गए हैं, लिहाजा इनका मुख्तलिफ शहरों में चक्कर लगाना तुम्हें धोखे में ना डाल दे। इनसे पहले भी नूह की कौम और इसके बाद वाले गरोहों ने रसूलों को झुठलाया था और हर उम्मत ने अपने रसूल के बारे में ये इरादा किया है कि उसे गिरफ्तार कर लें और बातिल का सहारा लेकर झगड़ा किया है कि हक को उखाड़ फेंक दें। तो हमने भी उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया, तो तुमने देखा कि हमारा अजाब कैसा था। अब यहां के ऊपर ये जो एक जुमला है कि इनसे पहले हर उम्मत ने नबी को गिरफ्तार करना चाहा है, जिस उम्मत में जो भी नबी आया है उसने चाहा कि उसको गिरफ्तार कर ले, यानी उसके हुक्म पर चलने के बजाय उसे अपने हुक्म का ताबे बनाए। यहां पर एक फुटनोट भी है तो उसे भी हम देख लेते हैं कि उसमें क्या है। हक और बातिल का मारका पहले दिन से जारी है। हाबील और काबील, आदम और शैतान, तो जब से इंसान की खिलकत है तब से हक और बातिल का मारका जारी है। कौम नूह से लेकर मुशरकीन अरब तक सबका एक ही मंशा और इरादा रहा है कि जो भी अल्लाह की तरफ दावत देने वाला हो उसको ख़त्म कर दिया जाए, उसको मिटा दिया जाए। और इस तरह अपनी मनमानी करने का बेहतरीन मौका मिल जाए। जब कोई रोकने वाला नहीं होगा, टोकने वाला नहीं होगा, कहने वाला नहीं होगा, तो क्या होगा? मनमानी करने का मौका मिल जाएगा। इस वजह से रोकने टोकने वाले के लोग हमेशा से मुखालिफ रहे, दुश्मन रहे। क्यों? ये रोकता बहुत है, ये टोकता बहुत है, ये मना भी बहुत करता है। इस वजह से तो रसूलों के साथ ये हुआ और इन सब का ख्याल ये था कि बातिल का जरिया भी हक को फना कर देने के लिए काफी होता है, यानी बातिल के जरियों से हक को खत्म किया जा सकता है। ये सोचते ये थे कि अगरचे हम गलत हैं और ये सही हैं, लेकिन हम इनको ख़त्म कर देंगे और इनकी तबलीग को भी मिटा देंगे। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है और हक में बातिल को फना करने की ताकत मौजूद है। हक में, हक में बातिल को फना करने की ताकत मौजूद है, लेकिन बातिल में हक को ख़त्म करने की ताकत नहीं है। बातिल कभी भी हक को नहीं मिटा सकता, हक बातिल को मिटा देगा।
हक बातिल को खत्म कर देगा, बातिल कभी हक को नहीं मिटा पाएगा। और हक एक दवाम और सबात रखता है, बातिल के अंदर सबात नहीं होता। सबात का मतलब अडकता, मजबूती, पायदारी। बातिल के अंदर पायदारी नहीं होती है, उसके अंदर मजबूती नहीं होती है, उसके अंदर दवाम नहीं होता है। बातिल हमेशा एक जैसा नहीं रहता, जबकि हक हक के अंदर अडकता होती है, इस्तकामत होती है, सबात होता है, और वो हर जमाने में उसका एक ही अंदाज रहता है। हक का अंदाज नहीं बदलता, बातिल के तरीके बदला करते हैं। हक को मिटाने के लिए बातिल की चालें बदला करती हैं, बातिल के अंदाज बदला करते हैं, बातिल के चेहरे बदला करते हैं, लेकिन हक नहीं बदलता। हक हर दौर में एक ही रहता है। और बातिल तो खुद ही फना होने वाला है, वो किसी को क्या फना कर सकेगा। बातिल का सबसे बड़ा हरबा यह होता है कि वो जमीन पर हर तरफ गर्दिश करता रहे, घूमता रहे। बातिल का हरबा सबसे बड़ा यह होता है कि वो जमीन के हर कोने के ऊपर पहुंचे और हर जगह घूमे और हर जगह गर्दिश करे और इस तरह दुनिया को मरऊब करता रहे, अपना रोब कि हम बहुत बड़ी कुवत वाले, हम बहुत बड़ी ताकत वाले और हम बहुत बड़े दौलत वाले। अगर हमको नहीं माना तो देखो ये तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा, खत्म हो जाओगे, मिट जाओगे, वगैरह वगैरह। और अपने इख्तदार आला का मुजाहरा करता रहता है कि हमसे बड़ा कुवत वाला, ताकत वाला, इख्तियार वाला कोई नहीं है, जो हर दौर में नौ आबादियाती निजाम की शक्ल में जाहिर होता रहता है, हर दौर में रहा है। आज के दौर में देख लीजिए, ये वेस्टर्न कल्चर क्या है, ये अमरीकी और इजरायली ये सब हुकूमतें क्या हैं, यही है कि अगर हमको मानोगे तो तुम जिंदा रहोगे, हमको नहीं मानोगे खत्म हो जाओगे, दबा के रखना। और इस तरह दुनिया को अपने कब्जे में रखा गया है, लेकिन परवरदिगार आलम ने वाजह कर दिया है कि इन हरकतों की कोई हकीकत नहीं है और ये तमाम बातें काम आने वाली नहीं है। दौरे हाजिर में भी ये गर्दिश जमीन से आगे बढ़कर बहरी बेड़ों की शक्ल में सामने आ चुकी है। जो समंदरी बेड़े होते हैं, दरियाई बेड़े, ये क्या करते हैं? अब हमारे पास बड़ी कुवत है, हमारी बड़ी ताकत है, तो वो अपने बेड़े को दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों के करीब ले जाके लंगर डालेगा वहां, ताकि रोब दिखाए कि देखो हमारा बेड़ा आके यहां पड़ा हुआ है, अमेरिका का बेड़ा हिंदुस्तान में आ गया है, और मालूम हुआ कि ऑस्ट्रेलिया का बेड़ा जो है फला जगह पहुंच गया है और इसका बेड़ा वहां पहुंच गया है। लेकिन अहले ईमान इससे भी धोखा खाने वाले नहीं है, और उन्हें मालूम है कि खुदा जब चाहेगा फिरौन को उसी नील में गर्क कर देगा जिसमें वो मूसा को नजात देता है। वही नील, वही दरिया, उस दरिया में, उसी दरिया से मूसा को नजात मिलती है और फिरौन गर्क हो जाता है। तो ये अल्लाह का इंतजाम है। तो ये मतलब है रसूलों को गिरफ्तार करने के, जो तर्जुमे में आया था कि ये लोग करते क्या हैं कि इन्होंने रसूलों को गिरफ्तार किया, बातिल का सहारा लेकर झगड़ा किया, हक को उखाड़ फेंकने के लिए एक हो गए, तो हमने भी उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। तो तुमने देखा कि हमारा अजाब कैसा था, और इसी तरह तुम्हारे परवरदिगार का अजाब काफिरों पर साबित हो चुका है कि वो जहन्नम में जाने वाले हैं, जो फरिश्ते अर्श इलाही को उठाए हुए हैं। ये अब दूसरी बात शुरू हो गई, जो फरिश्ते अर्श इलाही को उठाए हुए हैं और जो उसके गिर्द मुअय्यन हैं,
सब हमद खुदा की तस्बीह कर रहे हैं और उसी पर ईमान रखते हैं और साहिबान ईमान के लिए इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं कि खुदाया तेरी रहमत और तेरा इल्म हर शय पर घेरे, हर शय को घेरे हुए है, लिहाजा उन लोगों को बख्श दे जिन्होंने तौबा की है और तेरे रास्ते का इत्तेबा और पैरवी की है और उन्हें जहन्नम के अजाब से बचा ले। ये कौन दुआ कर रहा है? फरिश्ते। कौन से फरिश्ते? जो अर्श को उठाए हुए, वो फरिश्ते साहिबान ईमान के लिए दुआ करते रहते हैं। किससे? अल्लाह से। अर्श क्या चीज है? अर्श आसमान पे, उस पे क्या है? हैं? धुआं। अर्श, अर्श के ऊपर क्या है? अल्लाह बैठा है। अल्लाह हर जगह है। बिल्कुल यही हमारा शिया अकीदा है कि अल्लाह अर्श पे बैठा नहीं है, जैसा कि अहले सुन्नत क्या कहते हैं, वो अर्श पे बैठा है, वो अर्श पे बैठा है और उसके वजन से अर्श जैसे तख्त बोलता है वैसे बोलता है। लेकिन हमारा अकीदा यह है कि नहीं, अल्लाह हर जगह है, इसलिए कि जो चीज अगर कोई बैठा है तो वो महदूद हो गया और जो महदूद हो गया वो खुदा नहीं हो सकता है। इस वजह से अल्लाह जिस्म जिस्मानियात से पाक है, जो बैठेगा तो जिस्म वाला होगा, जब जिस्म वाला होगा तो महदूद हो जाएगा, जब महदूद हो जाएगा तो खुदा नहीं रहेगा। तो अर्श जो है ये अल्लाह ताला के इख्तदार और उसकी बुजुर्गी और अजमत की एक अलामत और निशानी है कि उससे बुलंद कोई शय नहीं है। अर्श से बुलंद, सबसे बुलंद अगर किसी शय को अल्लाह ने करार दिया है तो वो है अर्श। जो कहते हैं नहीं अर्श और कुर्सी, तो ये अर्श और कुर्सी अल्लाह ताला की अजमत की निशानी है, उसके इख्तदार की निशानी है, वरना ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर वो जलवा फरोज हो। परवरदिगार, ये वही वो दुआ की जो मलाइका वहां ऊपर कर रहे हैं उसी को बता रहे हैं। अर्श को जो मलाइका अर्श के पर मुय्यन है और अर्श को उठाए हुए हैं, तो यही मलाइका परवरदिगार आलम की बारगाह में साहिबान ईमान के लिए दुआ करते हैं कि इन्हें जहन्नम के अजाब से बचा ले। परवरदिगार इन्हें और इनके बाप दादा अजवाज और औलाद में से जो नेक और सालेह अफराद हैं उनको हमेशा रहने वाले बागों में दाखिल फरमा कि जिनका तूने इनसे वादा किया है कि बेशक तू सब पर गालिब और साहिब हिकमत है, और इन्हें बुराइयों से महफूज फरमा कि आज जिन लोगों को तूने बुराइयों से बचा लिया गोया उन्हीं पर रहम किया है और यह बहुत बड़ी कामयाबी है। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया उनसे रोजे कयामत पुकार कर कहा जाएगा, कयामत के दिन इन काफिरों को आवाज दी जाएगी, इनको पुकारा जाएगा और इनसे कहा जाएगा कि तुम खुद जिस कदर अपनी जान से बेजार हो खुदा की नाराजगी उससे कहीं ज्यादा बड़ी है कि तुमको ईमान की तरफ दावत दी जाती थी और तुम कुफ्र अख्तियार किए हुए थे। वो लोग कहेंगे कि परवरदिगार तूने हमें दो मर्तबा मौत दी और दो मर्तबा जिंदगी अता की, तो अब हमने अपने गुनाहों का इकरार कर लिया है तो क्या इससे बचने की कोई सबील और रास्ता है? दो मर्तबा जिंदगी, दो मर्तबा मौत, क्या मतलब? तूने हमको दो मर्तबा जिंदगी दी, दो मर्तबा मौत दी, क्या मतलब? नहीं समझे?
जिंदा हैं हम, कुछ नहीं थे ना, जिंदा हुए फिर मरेंगे फिर जिंदा होंगे, दो जिंदगी दो मौत हो गई कि नहीं? तो दो मर्तबा तूने जिंदगी दी, दो मर्तबा मौत दी, लेकिन हम संभले नहीं। अब कयामत के दिन जब उसका अजाब देखा तो कह रहे हैं कि माबूद क्या कोई रास्ता है अब संभलने का? तो आवाज आएगी। ये सब इसलिए है कि जब खुदाए वाहिद का नाम लिया गया तो तुम लोगों ने कुफ्र अख्तियार किया, और जब शिर्क की बात की गई तो तुमने फौरन मान लिया। तो अब फैसला सिर्फ खुदाए बुलंदो बरतर के हाथ में है। वही वो है जो तुम्हें अपनी निशानियां दिखलाता है, तुम्हारे लिए आसमान से रिस्क नाजिल करता है और उससे वही नसीहत हासिल करता है जो उसकी तरफ लौ लगाता है, उसकी तरफ रुजू करता है। लिहाजा तुम खालिस इबादत के साथ खुदा को पुकारो, चाहे काफिरीन को ये कितना ही नागवार क्यों ना गुजरे। यहां के ऊपर भी मैं एक फुटनोट है, क्योंकि फुटनोट में ज्यादा वजाहत होती है और आसानी से बात जहनों तक पहुंच जाती है, तो इसको पढ़ दूं। इबादत का सबसे बड़ा इखलास यही है। इखलास का मतलब खुलूस, निखालिस्ता। इबादत का सबसे बड़ा इखलास यही है कि इंसान को इस बात की फिक्र ना हो कि उसकी इबादत लोगों को अच्छी लगती है या बुरी लगती है। लोगों को अच्छी लगना बुरी लगना क्या मतलब? हम नमाज पढ़ रहे हैं, लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे, अभी हमने रोजा रखा, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, उससे हमें क्या? अगर हाँ उसके लिए रोजा रखा होता तो कहते यार देखो माफ करना तुमको बहुत बुरा लगा, और थोड़ा खुश हो जाते कि हाँ बड़ा अच्छा लगा। अरे हमने तुम्हारे लिए ना रोजा रखा ना नमाज पढ़ी, जिसके लिए हम रोजा रख रहे हैं वो खुश हो जाए, वो राजी हो जाए। तो इबादत का सबसे बड़ा इखलास ये है कि इंसान को इस बात की फिक्र ना हो कि उसकी इबादत लोगों को अच्छी लगती है या बुरी। वरना जहां लोगों को पसंद और नापसंद का ख्याल जहन में आ गया वहां इखलास अमल मशरू हो जाएगा, यानी खुलूस नहीं रहेगा। और जिस कदर ये ख्याल रासिख होता जाएगा, मजबूत होता जाएगा, अंदर उतरता जाएगा, इखलास अमल तबाहो बर्बाद, और जिस कदर ये ख्याल यानी लोगों को दिखाना या लोगों को तारीफ करना या लोगों को बुराई करते हुए थोड़ा सा अपना रंजीदा होना, जितना ज्यादा ये ख्याल हमको आता रहेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? अमल बर्बाद होता रहेगा। लिहाजा हम अमल के मामले में लोगों का ना देखें कि लोग क्या कह रहे हैं। हम नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, आप खैर खैरात कर रहे हैं, किसी मोमिन का हाथ पकड़ रहे हैं, आप खुद समाज की खिदमत कर रहे हैं, तो लोग ये ना देखो कि लोग क्या कह रहे हैं और हमारी तारीफ कर रहे हैं तो ठीक है हम और कल से पहले आ जाएंगे, और आज दो चार लोगों ने कुछ दो चार बातें सुना दी तो हम कल आएंगे ही नहीं। हमने इनके लिए थोड़े किया था कि हम अनाबल कर देंगे, हमने जिसके लिए किया है वो हमारा अल्लाह हमको जजा देने वाला है। कोई तारीफ करे तो क्या, और अगर बुरा भला कहे तो क्या। लिहाजा इस नुक्ते की तरफ भी इशारा किया है कि इंसान रियाकारी के खौफ से अगर लोगों का ख्याल जहन में रखकर अमल को छुपा कर भी अंजाम देगा तो लोगों को मालूम न होने पाए या वो तानो तंज न करने पाए तो भी ये रियाकारी ही की एक किस्म है। क्या मतलब? नहीं समझे ना? हमने रियाकारी की नहीं, दिखावा कि हम मस्जिद में आए, मस्जिद बिल्कुल सन्नाटा थी, एकदम कोई नहीं था मस्जिद में। हमने नमाज पढ़ी,
नमाज पढ़ते पढ़ते दिल में ख्याल आया कि कोई दो चार लोग होते कुछ देखते कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, तो ये ख्याल आना भी रियाकारी की एक किस्म है कि लोग दो चार लोग होते और हमको देखते कि हाँ जरा सा देखो आज ये नमाज पढ़ रहे हैं या ये अमल अंजाम दे रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, तो ये भी एक रियाकारी की किस्म है। इसमें भी इंसान के जहन पर इंसान ही मुसल्लत है, इंसान के जहन पर इंसान ही मुसल्लत है और खुदा का खुलूस नहीं है, खुदा का इखलास नहीं है। वरना वो रब्बुल आलमीन का मुखलिस बंदा होता तो बंदों के ख्याल से बेनियाज होकर अमल करता और खुदा मजमे आम में हुक्म देता तो मजमे आम में अमल अंजाम देता और वो तन्हाई में अमल करने का हुक्म देता तो गोशे गुमनामी में चला जाता। इसके किसी अमल का मुहर्रिक बंदों का ख्याल या उनकी तारीफ या उनका बुरा कहना न होता, बल्कि हर अमल सिर्फ और सिर्फ परवरदिगार आलम की इताअत के जज्बे के तहत होता, चाहे दुनिया उसे पसंद करे या एक सिरे से दुनिया उसे नापसंद कर दे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए कि हमने अमल दुनिया के लिए किया ही नहीं, हमारा जो अमल था वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए था। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أعزائي گرامی تقریبا دو مہینے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ आप देखें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल सामने की होती हैं, हमारा और आपका सबका हर वक्त उससे पलता, लेकिन हम उससे उतना नहीं फ़ायदा उठा पाते हैं जितना उठाना चाहिए। हम उसकी गोया की मार्फत ही नहीं रखते और बहरहाल अमल जब मार्फत के साथ होता है तो उसकी जजा की हद और इंतहा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसी में आप देखें एक है सूरह हम्द, कौन इंसान है जो सूरह हम्द की तिलावत नहीं करता? अरे आम हालात में नहीं करेगा तो कम से कम नमाज ही में, हर नमाज में दो मर्तबा तो पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन इसकी कितनी अजमत थी, कितना वकार था कि परवरदिगार आलम ने इसे नमाज का जुज करार दिया। दूसरे सूरे बदले जा सकते हैं, ये नहीं बदला जा सकता। तो करते तो हैं, कभी कभी क्या होता है हम अमल करते ही नहीं है, मार्फत नहीं है। कभी ये होता है अमल तो करते हैं लेकिन जो करते हैं उसे नहीं पहचानते। जैसे आप देखें कितने सालों से हम मजलिस करते चले आ रहे हैं, जाकरीन कहते कहते थक गए, समझाते समझाते थक गए, कहाँ बैठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, करीब बैठना चाहिए कि दूर बैठना चाहिए, सारी चीज़ें कुछ बेचारे अपनी मजबूरी के तहत, उनके पास तो उज्र है, उनको टेक की ज़रूरत है, बगैर उसके एक घंटे नहीं बैठ सकते, उनको जो है गादी की ज़रूरत है वरना वो बैठ नहीं सकते हैं, उन्हें कुर्सी की ज़रूरत। लेकिन जो कर सकते हैं वो चाहे वहाँ बैठें कि यहाँ बैठें, क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे कभी कभी बताया कि हम अमल तो करते हैं लेकिन पहचानते नहीं, और कभी कभी पहचानते नहीं और अमल करते हैं। उसी में एक चीज़ ये सारे जुमले मैंने तफसीर नूर उस्सकलैन से नकल किए हैं, आप उसे भी उठा के देख सकते हैं। पूरा नहीं नकल किया, जो इस सिलसिले में बयान किए कुछ उसके अज्ज़ा की खिदमत में अर्ज करना।
छठे इमाम से एक हदीस में जो तवील है, बड़ी है, वो कहते हैं मुझसे मेरे अजदाद ने यहाँ तक कि ये सिलसिला पैगंबर इस्लाम के हवाले से बयान किया कि जिसे किसी काम की वजह से कोई मुश्किल दरपेश हो, काम कर रहा है नहीं हो रहा, मुश्किल आ रही, और वो मुश्किल की वजह से गमगीन भी हो, हरदम टेंशन, उससे निकल ही नहीं पा रहा है, कहते हैं वो इखलास के साथ, खुलूस के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े तो उसे दो चीजों में से एक चीज जरूर मिलेगी, या दुनिया में उसकी हाजत पूरी हो जाएगी, या फिर बिस्मिल्लाह का सवाब उसके नामे आमाल में लिख दिया जाएगा, जो बेहद है, बेपनाह। उसके लिए बहुत सारी रवायतें हैं। बहरहाल दुनिया की नेमत से आखिरत की नेमत पायदार है, यानी हमेशा रहने वाली, मुमकिन है यहां हम कुछ हासिल कर लें लेकिन जायल हो जाए, खत्म हो जाए, बर्बाद हो जाए, लेकिन जो हमने आखिरत के लिए भेज दिया है वो चूंकि ऐसे की निगरानी में है जो पायदार रहेगी, बरकरार रहेगी, हमेशा रहेगी। और जो कुछ मोमिनीन के लिए खुदा के पास है उससे बेहतर है। फिर फरमाते हैं कि मुझे मेरी इज्जत और जलाल की कसम, जो शख्स हर नमाज के बाद तुम्हारी तिलावत करेगा, सूरह हम्द की यहां तिलावत करेगा, तो वो जहां भी होगा मैं उसे वहां से निकाल कर जन्नत के बुलंद बाला मकाम पर उसे जगह अता करूंगा, हफीरतुल कुद्स में रिहाइश दूंगा, और मैं हर रोज उसकी तरफ, अल्लाह कह रहा है, मैं हर रोज उसकी तरफ मख्फी निगाहों से देखूंगा। जैसे इंसान छुप के कैसे देखता है कि ताकि जिसे वो देख रहा है वो ना देख सके, लेकिन वो देख रहा है कि अब इसके साथ क्या करना चाहिए, देखूंगा। और रोजाना उसकी 70 हाजतें पूरी करूंगा, जिसमें से छोटी हाजत मगफरत, यानी कम से कम जो उसके साथ एहसान करूंगा उसे माफ कर दूंगा, और जिसकी मगफरत हो गई उसे जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता, और मैं उसे हर दुश्मन से पनाह दूंगा और उसे दुश्मन पर कामयाबी अता करूंगा। ऐसा बंदा कामयाब हो जाएगा, मौत के अलावा जन्नत में दाखिल होने से कोई रोक नहीं सकता, कोई चीज माने नहीं, इधर मरा इधर जन्नत में पहुंचा, जन्नत से तब तक बचा रहेगा जब तक मौत नहीं आएगी, इधर रूह कब्ज हुई इधर जन्नत गया। हमारे दूसरे इमाम से रवायत और उसका सिलसिला भी पैगंबर इस्लाम तक, फरमाते हैं जो शख्स सूरह हम्द पढ़ेगा अल्लाह ताला उसे तमाम आसमानी किताबों की तिलावत का सवाब अता करेगा, जितनी भी नाजिल हुई तौरात, इंजील, जबूर, कुरान, दूसरे सुहूफ, ये सारे। इन्होंने उन्होंने अखबार रजा से शेख सदूक अलैहि रहमा की रवायत को नकल किया, किसने, साहिब तफसीर नूर सकलैन ने, कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अगर को, अब देखिए इसके एक एक आयत के फजाइल को बयान किया कि रसूल ने फरमाया जो भी सूरह फातिहा को अपने और अपने बंदे के दरमियान तकसीम किया गया उसका निसफ हिस्सा मेरे लिए और निसफ हिस्सा मेरे बंदों के लिए, मेरा बंदा जो सवाल करेगा मैं उसे अता करूंगा, जब बंदा सूरह हम्द के इरादे से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहता है तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरे नाम से इब्तिदा की है, मुझ पर इसका हक है कि मैं इसके मामलात को मुकम्मल कर दूं, यानी जो ये चाहता है अगर दुनिया में उस सिलसिले में भलाई है तो उसे मुकम्मल कर दूं और इसके हालात में बरकत पैदा करो। कभी तो ऐसा होता है हमने कमा तो बहुत लिया लेकिन पूरा नहीं पड़ रहा, और कभी यह है कि कूते लायमूत मिलता है लेकिन खुदा का शुक्र है महीना खत्म होता है तो उसमें भी चवन्नी अठन्नी बच जाती,
इसे बरकत कहते हैं। कम में भी तो बरकत अता करूंगा। और जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है तो अल्लाह ताला फरमाता मेरे बंदे ने मेरी हम्द की और उसे ये बात मालूम हो चुकी है कि इसके पास जितनी भी नेमतें हैं वो मेरी ही अता की हुई हैं और उससे जितनी भी मुसीबतें दूर हुई हैं वो मेरे ही फजल करम से हुई हैं। मैं तुम्हें मलाइका यानी मैं और मलाइका गवाह बनाकर कहता हूं कि मैं इसे दुनियावी नेमात के साथ साथ आखरत की नेमात की मेहमानी दूंगा। यहां थोड़ी सी दौलत सरवत कुछ भी मिल जाता है, कहीं इज्जत मिल गई कुछ, इंसान खुश हो जाता है। अल्लाह तुझे अपना मेहमान बनाएगा। जैसा कि मैंने इस दुनिया के मुश्किलात दूर की हैं इसी तरह इसकी आखरत की भी मुश्किलात को दूर करूंगा। और जब बंदा कहता है अर्रहमान अर्रहीम तो अल्लाह फरमाता मेरे बंदे ने मेरे मुतालिक रहमान और रहीम होने की गवाही दी है, लिहाजा मैं तुम्हें गवाह बनाकर कहता हूं कि मैं अपनी रहमत से इसे बहुत बड़ा हिस्सा अता करूं। अगर जरा सा अल्लाह का रहम और करम हो जाए तो हमारी दुनिया भी संवर जाती है, आखिरत बहुत बड़ा हिस्सा। बताइए सूरह हम्द कौन नहीं पढ़ता और किस दिन नहीं पढ़ता, लेकिन अगर यही मुतवज्जे होकर मारफत के साथ पढ़े कि वाकई एक एक जुमले में अल्लाह हमसे वादा क्या कर रहा है, बहुत बड़ा हिस्सा अता करेगा। जब बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन तो अल्लाह कहता है कि मैं गवाह बनकर कहता हूं कि जिस तरह से बंदे ने मेरे मुतालिक रोजे कयामत के मालिक होने का एतराफ किया है, मैं भी कयामत के दिन इसके लिए हिसाब को आसान कर दूंगा। मालिक यौमिद्दीन ये कयामत के दिन का मालिक, तो जैसे आज ये इस यकीन के साथ कहता है कि मेरा मालिक कयामत के दिन का मालिक है, हर आन का मालिक है, तो मैं उस दिन की सख्ती से उस दिन के हिसाब से इसके लिए आसान कर दूं। क्यों? इसलिए कि ये मेरा, इसका अकीदा खाली जबान से नहीं कह रहा है बल्कि दिलो जान से इसके ऊपर यकीन। फिर कहता है कि जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं, तो परवरदिगार कहता है मलाइका से मेरे बंदे ने सच कहा कि मैं इसी की इबादत करता हूं, इसी से मदद चाहता हूं, सच कहा। वो सिर्फ मेरी ही इबादत करता है, इसे इस इबादत के बदले में इतना सवाब अता करूंगा जिन्होंने भी मेरी इबादत के मुतालिक इससे मुखालफत की होगी वो सब इस पर रश करेंगे। आज दुनिया में दीन वाले कितने, दुश्मन कितने, मैं इसे कयामत में इतना अता करूंगी कि इसके मुखालफीन दुश्मनान वो भी रश करेंगे, ताज्जुब करेंगे, इतना बड़ा मकाम, इतना बड़ा मर्तबा। इसलिए और जब बंदा कहता है व इय्याका नस्तईन, हम इसी से मदद चाहते हैं, इसने मुझसे मदद मांगी है और मुझी से पनाह तलब की है, तो मैं गवाह बनाकर कहता हूं कि इस मामले में इसकी मदद करूंगा और इसके शदायत के वक्त इसकी फरियाद रसी करूंगा। जब भी कभी ये मुसीबत में होगा इय्याका नस्तईन, परवरदिगार तेरी ही इबादत करता हूं, तुझी से मदद चाहता हूं, तो जब भी मुसीबतों में किसी सबब से गिरफ्तार होगा तो मैं ही इसकी मदद करूंगा। अब अल्लाह अगर आपसे वादा करे, आपने नहीं डिमांड की है, उसने सामने से वादा किया मैं ऐसा करूंगा, तो अब उससे बढ़कर कोई वादे को पूरा करने वाला नहीं। और जिस दिन ये मुश्किलात में घिरा होगा मैं इसका हाथ पकड़ूंगा। फिर बंदा क्या कहता है
اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پروردگار مجھے سیدھے راستے پر قائم رکھ, اس راستے پر جس پہ تو نے اپنی نعمتیں نازل کی, نہ کہ ان کا راستہ جس پر تو غضبناک ہوا, غضب نازل کیا. یہ میرے بندے کے لیے, اور میرے بندے نے جو سوال کیا میں اسے عطا کروں گا, میں اپنے بندے کی دعا کو قبول کی. یعنی جو بھی ہے کہ سیدھے راستے پہ قائم رکھ, ان کا راستہ جس پہ تو نے نعمت, یعنی اس کی دعا کو میں نے قبول کر لیا, اسے میں سیدھے راستے پہ قائم بھی رکھوں گا جو نعمتوں والا ہے, اور ان کا راستہ نہیں جو گمراہ ہیں جن کے اوپر اس نے غضب نازل کیا. یہ ساری دعا پروردگار نے قبول کر لی اور اس کی آرزو اس کو دے دی, اور جس سے خوف زدہ ہے اس میں سے اسے امن و امان دے دیا. جن چیزوں کے لیے ڈر رہا تھا, خوف زدہ, امن و امان, کچھ نہیں ہوگا تیرا, تو اطمینان و سکون سے رہے. رسول خدا آگاہ ہو جاؤ, جو شخص بھی اس سورے کو محمد و آل محمد کی معدت رکھ کر اور ان کے فرمان کا فرما بردار بن کر اور ان کے ظاہر و باطن پر ایمان رکھ کر پڑھے گا, آل محمد کی معدت کے ساتھ, ان کی فرما برداری کے ساتھ, ان کی اطاعت کے ساتھ پڑھے گا, تو اللہ اس کے ہر حرف کے بدلے نیکی عطا کرے گا جو کہ دنیا اور ما فیہا کی تمام دولت سے بہتر ہے. ایسی نعمتیں عطا کرے گا, ایسی نیکی عطا کرے گا کہ کائنات ایک طرف ہو تو بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پائے گی. جو کوئی اس سورے کو سنے, سورہ حمد کو سنے, تو بھی وہی ثواب ملے گا. لہذا زیادہ سے زیادہ ہمیں ان سوروں کی تلاوت کرنا چاہیے. قرآن کے بعد تعقیبات میں بھی سورہ حمد ہے, سورہ توحید ہے, آیت الکرسی ہے, چاروں کل, ان سب کی تاکید ہے. متعدد روایتیں آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو اس سب میں تاکید ہے کہ ان کو ہم پڑھیں. دعائے حفظ ایمان ہے, بہت ساری چیزیں ہیں کہ اگر ہم کنٹینیو پڑھنے جائیں تو آدھا گھنٹہ 35 منٹ لگ جائیں گے, تو ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں. کچھ چیزیں ہم فجر میں پڑھ لیں, کچھ ظہر میں پڑھ لیں, کچھ عصر میں پڑھ لیں, کچھ مغرب میں پڑھ لیں. دعا کرتے ہیں پروردگار ہم سب کو اہل بیت کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما, مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما, علماء اللام کے سایوں کو ہمارے سروں پہ باقی فرما, جنت الوقی جنت المولا کے بننے کے اسباب فراہم فرما. پروردگار ہمارے عمل سے ہمارے امام کو راضی خوشنود فرما, امام کے ظہور میں تاجیل فرما, ہم سب کو ان کو احوان انصار میں شمار فرما. وتقبل منا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر اس درس میں جو حضرات موجود ہیں ان کے مرحومین اور اس کے علاوہ تمام علماء اور مومنین کی جو آج ہمارے درمیان میں نہیں ہیں ان کی ارواح کو بخش دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.